हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कैसे हो यार? आई होप यू डूइंग वेल। तो भाई ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं। उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि यार क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए। जब आप ट्रैवल कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो क्या होता है कि एक आपके पास होता है कैरी बैग, जो आप अपने फ़्लाइट में अपने साथ लेके जाते हो, और एक होता है लगेज, जो आप फ़्लाइट के साथ ही आपके साथ ही जाता है, लेकिन वो फ़्लाइट के अंदर नहीं जाता। तो कैरी बैग में कौन कौन सी चीज़ें अलाउड हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और क्या क्या जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि नहीं लेके जानी, ठीक है? तो इसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कमान बारी बारी से आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं हैं, ठीक है? सबसे पहले आते हैं फ्रेंड्स पर्सनल आइटम्स। पर्सनल आइटम्स में क्या क्या आता है? लाइटर, सीजर और टॉय वेपन। तो ये तीनों चीज़ें अलाउड नहीं हैं, ना तो आपका लाइटर किसी भी तरीके का, ना कैंची किसी भी तरीके की, और ना ही टॉय वेपन। तो ये तीनों चीज़ें अलाउड नहीं हैं, ठीक है? सेकंड थिंग जब आती है इसमें, तो वो है बॉक्स आइटम्स। बॉक्स आइटम्स, बॉक्स कटर आइटम जो होते हैं, जैसे कि हैमर हो गया, कटर हो गया, और किसी भी तरीके की रोड हो गई, वो भी इसमें अलाउड नहीं है। अब किसी भी तरीके की छोटी या बड़ी तलवार, किसी भी तरीके की त्रिशूल छोटी बड़ी नहीं अलाउड है बिल्कुल भी, ठीक है? और इसके बाद जो आइटम्स आते हैं वो है स्पोर्ट्स के आइटम, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप क्रिकेट बैट या फिर बेसबॉल बैट जो होते हैं वो भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा इसमें जो आपकी गोल्फ़ की रोड होती है वो भी अलाउड नहीं है। तीर कमान अलाउड नहीं है इसके अंदर, ठीक है? ये चीज़ आप कैरी नहीं कर सकते फ्लाइट के अंदर। और आइटम मैं आपको बता देता हूँ, शेवर होता है, ब्लेड होता है, ब्लेड जिससे सेव करते हैं वो भी अलाउड नहीं है। नुकीली चीज़ कोई किसी भी तरीके की वो भी इसमें अलाउड नहीं है, वो आपको नहीं लेके जानी चाहिए। और आप उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप इसमें लेके जा सकते हो फ्रेंड्स, आप कोलगेट पेस्ट जो होती है वो आप लेके सकते हो कैरी बैग में, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है? आप ट्रिमर लेके जा सकते हो, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, आप कैरी बैग में लेके जा सकते हो ये चीज़ें, ठीक है? ऑयल आप लेके जा सकते हो, बट कुछ ऑयल्स वो फ्लाइट्स जो हैं बैन करती हैं, ठीक है? तो कुछ वो अलाउ करती हैं। तो जो अलाउ करती हैं, नॉर्मल तेल होता है जैसे सरसों का तेल, लाइक छोटी कैन आप लेके जा सकते हो, अदरवाइज़ बड़ी चीज़ें अलाउड नहीं हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स जो मैंने आपको वो भी डिस्कस करी हैं। जब फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपके पास हैं तो आपको या तो एयरपोर्ट पे ही ड्रॉप करनी पड़ेगी या फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो ठीक है, बेटर कि आप इन चीज़ों को ना लेके जाएं। इसी द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ दिस, कि आप को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए। तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई मेड दिस वीडियो। आई होप अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर कर देना यार, और सब्सक्राइब माई चैनल। ट्रैवलिंग की मेरी सीरीज़ चली रही है यार, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी रही होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।